हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आज मैं अमरदीप राणा फ्रॉम मनाली, हमारी टीम 4x4 मनाली करके है। आज हम आपको अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि जो हमारी टीम 4x4 मनाली है उसका जैसे लीडर मैं हूँ और मेरा को लीडर रोहन। हेलो। आज क्या करने वाले हैं हम कि आज मेरी गाड़ी है, आज इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन बताएंगे। सो होप गेट इन टच विद अस। ओके बाय। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे को कोई भी 4x4 गाड़ी वाले हैं जिनको हमारा स्टिकर चाहिए होगा तो डू लेट अस नो, विल श्योरली सेंड इट टू यू बाय पोस्ट और एनीथिंग। और चलो, आज मैं अपने बलेरो कैंपर की मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में ब्लेरो कैंपर में 4x4 होनी चाहिए, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट पॉइंट बोलो। तो मैं सबसे पहले जो बताया था, ये होते हैं जी गाड़ी के शकल्स, जिनको बोलते हैं कि ये गाड़ी को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं। जो एक्चुअल शकल्स आते हैं वो होते हैं लगभग 2 इंच के लिए, लेकिन आपको लगभग 4 इंच के, लगभग आपकी 2-3 इंच गाड़ी ऊपर उठ जाती है। और ये जो कंपनी जो बनाती है, आप कहीं देसी की वहीं मत जाइएगा, कहीं वेल्डर के पास मत जाइएगा, ये कंपनी है बेंगलोर में जिसका नाम है प्राड करके कंपनी है, बेस्ट है और ये बेस्ट शक्ल प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राड वालों का ही एक दूसरा आता है इनका बम्पर। ये बम्पर 2-3 टाइप्स में आता है, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन बम्पर लगाना है, विद विंच, विदाउट विंच। तो ये जो विंच है, विंच वाला प्राड है जो मैंने लगाया अपनी गाड़ी में, जो ये भी प्राड कंपनी से है जो कि बेंगलोर में होती है। जो भी डिस्क्रिप्शन होगी टैग मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में बता दूंगा इसको आपको। आप बम्पर का लुक देखिएगा, इसको बोलते हैं हम बुलबार वाला बम्पर। एक विदाउट बम्पर बुलबार आता है और एक ही आता है, देखिए आप। तो देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला बम्पर है विद विंच होता है, यहाँ पे इसमें विंच फिट होती है। आपने देखा होगा विंच का काम क्या होता है एक्चुअल में, कि आप कहीं भी ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे, मानो आप कहीं मड में फंस गए, कहीं नदी के पानी में फंस गए, आपको क्या करना है, कोई भी जगह आपने अपनी गाड़ी की विंच लगा के आपकी गाड़ी खुद ब खुद टो होकर बाहर निकल जाएगी, ये है विंच का। और जो विंच का है काम होता है वो बेसिकली निकालने के लिए, टोइंग के लिए, अपने सेफ्टी के लिए रहता है कि अगर कहीं भी फंस जाए। विंच आपकी डिफरेंट कंपनीज से होते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका कितना बजट है। स्टार्टिंग फ्रॉम 30-35 हज़ार से बोल सकता हूँ मिनिमम विंचेस स्टार्ट होती है। और बेसिकली जो ये जो खर्चा है आपका, जो मैंने जो बताया आपको एज ऑफ नाउ, जो शकल्स और जो प्राड दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। शकल्स आपको लगभग 4.5 से 5 हज़ार के बीच मिलते हैं, जिसमें आपको 4 पेयर्स मिलते हैं, 2 आगे लगते हैं, 2 पीछे लगते हैं। और जो प्राड का बम्पर होता है ये होता है कम से कम 20-22-23 हज़ार तक, डिपेंडिंग अपॉन था आपका कौन सा बम्पर आपने ख़रीदना है। और जो विंच का रेट मैंने आपको बता दिया, लगभग 30-35 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। और ये है आपका जो मैं फ्रंट की मॉडिफिकेशन के बारे में एक हल्का सा है, और हल्की सी मॉडिफिकेशन बता देता हूँ, आप साइड में शो के लिए एक एंटीना भी लगा सकते हो जिसको आप कनेक्टेड आपके अपने स्टीरियो से कर सकते हो, या आपके पास कोई सैटेलाइट चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ें हो उसमें आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड कर सकते हो। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, इनको बोलते हैं हम लिम्ब राइजर का क्या बेसिकली काम होता है। कभी भी आप जैसे ऑफ रोडिंग करने जाते हो, जैसे फॉरेस्ट में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई झाड़ियाँ, ट्रीज़ की कोई टहनी आती है तो उससे क्या आता है ना, वो टहनी ऐसे करके आपके ऊपर से निकल जाती है, ये इसका काम होता है, नहीं अदरवाइज़ वो टहनी डायरेक्ट आपकी विंडशील्ड को तोड़ देती है, तो इसलिए हम इसमें लिम राइजर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्नॉर्कल बोलते हैं इसको। स्नॉर्कल का काम बेसिकली क्या होता है कि मानो जैसे मैं कोई ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, आपका किसी पानी में डाल रहा हूँ, कोई मड में डाल रहा हूँ, तो क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी पानी में घुसती है तो जब आपका पानी लगभग बोनेट के ऊपर से गुजरता है तो आपका अंदर एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर से क्या होता है
पानी अंदर घुस के इंजन में चला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं स्नॉर्कल के थ्रू इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एयर फिल्टर से, ताकि ये हवा जो गाड़ी लेती है वो यहाँ से लेती है। अगर पानी इस लेवल तक भी आ गया तो आपकी गाड़ी में इंजन में पानी जाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम स्नॉर्कल और लिम्बराइजर गाड़ी में लगवाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आता है आपका, आपके गाड़ी को ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन आपको इसके लिए इसके बाद आपके टायर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। टायर्स इन द सेंस कि आपको जो स्टॉक टायर्स होते हैं वो आपको इतना स्मूथनेस नहीं देते हैं ऑफ रोडिंग्स के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने देखिए क्या किया है इसमें। सबसे पहले तो हम इनको बोलते हैं ऑफ रोडिंग रिम्स बोलते हैं। ऑफ रोडिंग रिम्स आपको लगभग, आपको कितना बताऊँ मैं, लगभग 16 से 17 हज़ार की रेंज में लगभग 3-4 से 5 आपके रिम्स आ जाते हैं। और प्लस टायर्स जैसे इसके जो टायर है जो ओरिजिनल कंपनी के आते हैं उससे लगभग एक नंबर बड़ा टायर है ये। ये है CF3000 कंप्रेसर का है टायर, जो कि बिल्कुल ऑफ रोडिंग और बिल्कुल स्नो के लिए सबसे बेस्ट बोलता हूँ जो ये टायर है। हेलो, नेक्स्ट आता है आपका एक टोइंग का। आप कहीं भी फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई भी आपका फ्रेंड हो आपके पीछे हो कहीं फंस जाता है, तो इजीली एक टोइंग वाला हमने सिस्टम बनाया है इसमें पीछे, जिससे कि आप कोई भी चीज़, कोई गाड़ी को भी टो कर सकते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ इसमें पीछे कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे पोर्टेबल कोई टेंट गाड़ी होती है, आप जनरेटर ले जा सकते हैं इसके पीछे, कुछ भी चीज़ आप टो करके आराम से, कोई भी पोर्टेबल चीज़ इसमें टो करके पीछे से, ईजिली हेल्पफुल रहता है ताकि आपकी बॉडी को कोई फ़र्क ना पड़े, कुछ ना पड़े। तो ये हो गई सब कुछ बाहर की डिस्क्रिप्शन। अब हल्की सी, अंदर ज़्यादा मॉडिफाइड तो नहीं है, हल्की सी है मॉडिफाइड, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ इसमें, जैसे ये 4x4 कैंपर आती है, इसमें ना ही एसी होता है ना ही ब्लोअर आता है। तो मैंने क्या किया है, इसमें ऑलरेडी एक, हम जैसे पहाड़ वाले एरिया के हैं, जैसे हमारे को हीटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है स्नो में, तो हमने इसमें क्या किया, इनबिल्ट एक ब्लोअर फिट कर दिया है। ये यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है हमारे मनाली में, मैक्सिमम जैसे चंडीगढ़ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, इसमें प्रॉपर एक डैशबोर्ड में फिटेड है एक प्रॉपर हीटर। अच्छा, तो नेक्स्ट और मॉडिफिकेशन के लिए बोलता हूँ कि जैसे जो बलेरो कैंपर में जो सीट्स आती हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि i20 की सीट्स फिट कर दी है। आप कोई भी गाड़ी की सीट इसमें फिट कर सकते हैं, i20 हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, BMW, जो आपके बजट के अनुसार है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सी जर्क्स लगते हैं, तो ये बकेट सीट्स होती हैं, तो बकेट सीट्स आपको ना बिल्कुल हिलने नहीं देती है, तो फॉर मोर रिलायबल फॉर सिटिंग एंड ड्राइविंग के लिए मैंने ये सीट्स इसके लिए चूज़ की है। तो ये रही हमारी हल्की सी मॉडिफिकेशन जो हमने अपने बलेरो कैंपर 4x4 में की है। अगर आपने कोई अपनी मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करनी है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम डू सपोर्ट करेंगे। हल्की सी मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा नहीं है, और गाड़ी आपकी बेस्ट है। एक बार गाड़ी का ओवरव्यू आप फ्रंट से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वो हम दिखाने वाले हैं। तो कैसी लगी हमारी मॉडिफिकेशन, ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी है टीम 4x4 मनाली करके, उस पर आप देखते रहिएगा। हमारा फेसबुक चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है। आज मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मॉडिफिकेशन बताई, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें रोहन की गाड़ी का हम डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशनें दी गई हैं। बस आपका प्यार मोहब्बत सब हमारे को चाहिए कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी कोई इच्छा हो हमें जाहिर कीजिएगा। बाकी रेस्ट और क्या बताएं हम रोहन, बाकी हम फुल फन करते हैं। मनाली कभी भी आइएगा, 4x4 ऑलवेज, कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो कोई गाड़ी की, हम ऑलवेज आपके लिए तैयार रहेंगे। चल हेलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हाँ हमारे साथ जुड़े रहिए, बनिए, और हम एक और गाड़ी लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो
सारी मॉडिफाइड गाड़ी हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो भाई मैं मिलाता हूँ, ये है रिकू भैया बड़े भाई और मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं। ओके तो कैसी लगी हमारी वीडियो, एक बार शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें टीम 4x4 मनाली को, और मिलाते हैं हम आपको सबसे। ये है हमारे कैमरामैन, हाँ जी, जो कि अभी तक हमारा शूट कर रहे थे और अब हमारे फेस पे है। हाँ ठीक है जी, तो आइए इनसे पूछते हैं, लाइक करिएगा, जरूर करिएगा टीम 4x4 मनाली, एवरीवन हाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद सेकंड मॉडिफिकेशन 4x4 कैंपर मनाली, टीम 4x4 मनाली।